नरेंद्र मोदी के कई मंत्रियों ने सरकारी आवास के किराए का भुगतान नहीं किया है, ये खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों में मंत्रालय ने कहा कि विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने सरकारी बंगलों के फरवरी तक के बकाया का भुगतान नहीं किया है। मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपने बंगलों के बकाया भुगतान नहीं किया है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ये बकाया बंगले में उपलब्ध फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं से संबंधित है। मंत्रालय के अनुसार नकवी और सिंह पर इस अवधि के दौरान क्रमशः 1.46 लाख और 3.18 लाख रुपए बकाया है। अजीत कुमार सिंह द्वारा दायर आरटीआई पर 26 अप्रैल को दिए गए जवाब में ये जानकारी दी गई। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्रियों सांसदों को बंगले आवंटित करता है। जवाब में कहा गया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर फरवरी तक 53,276 रुपये बकाया है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर ने 86,923 रुपये के बकाया का भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी करीब 3 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया है, जबकि कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह पर फरवरी तक का 2,88,269 रुपये बकाया है। आरटीआई के जवाब में निदेशालय ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर भी इस अवधि तक 98,890 रुपये बकाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।